25 दिसंबर 2022 रविवार को निःशक्त जन अधिकार मंच गुना के तत्वाधान में आयोजित मीटिंग में सम्मिलित गुना जिले के सभी दिव्यांगों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार को RTO का घेराव किया जाएगा और दिव्यांगों को मिलने वाली 50% की छूट का लाभ दिलवाया जाएगा। इसका स्पष्ट आदेश निकलवा कर बस ऑपरेटर्स को दिलवाया जाएगा और आदेश की एक एक प्रति प्रत्येक बस में चस्पा करवाई जाएगी। अतः जिले के सभी दिव्यांगों से यह अपील है कि दिनांक 12 दिसंबर 2022 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में RTO ऑफिस पहुंचकर अपना विशेष योगदान दें। ज्योति चंदेल जी, लखन शर्मा जी, शांति भाई, रूपवती, रामवीर, वीरेंद्र, विशिष्ट देशराज, राजपूत, देवेंद्र धाकड़ जी मौजूद थे। यात्रा जो निकाली थी उसके संबंध में चर्चा होना है। दूसरा, बस किराए के संबंध में RTO के घेराव पर चर्चा है। तीसरा, रेलवे में दिव्यांगों के प्रत्येक ट्रेन के कोच की जांच के संबंध में गुना जिले के सभी स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देना है। और चौथी, रेलवे में दिव्यांगों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत थानों में FIR दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देना है, क्योंकि उसके तहत अभी तक कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही। छठा बिंदु, सभी दिव्यांगों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर चर्चा है। बाकी और ऐसे बिंदु हैं जो इस मीटिंग में निकल के आएंगे, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी। निःशक्त जन अधिकार मंच पूर्ण प्रदेश गुना से बोल रहा था, दिव्यांग धीरेन वशिष्ठ। दिव्यांगों की जो है 16 सूत्रीय मांगों के लिए रैली निकली थी, स्वाभिमान रैली, तो वो अभी तक मंत्री जी द्वारा 90 दिन का आश्वासन दिए थे, उनमें से 16 सूत्रियों में से एक भी मांग पूरी नहीं की है। अतः मांग पूरी नहीं होने पर 17 फरवरी से फिर स्वाभिमान यात्रा निःशक्त जन द्वारा निकाली जा रही है। वीरेंद्र वशिष्ठ कुमराज। सम्मति से दिव्यांगजनों ने यह निर्णय लिया है कि शुक्रवार दिनांक 30 तारीख RTO का घेराव किया जाएगा और RTO से जो बस वाले दिव्यांगों से किराया ले रहे हैं उनके लिए बस ऑपरेटरों को मीटिंग बुलवाने के लिए कहा जाएगा। वो बस ऑपरेटरों की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में दिव्यांगजन भी सम्मिलित होंगे, तभी अपन बातों को मानेंगे। दूसरा कि दिव्यांगों से मनमाना किराया लिया जाता है और बोला जाता है कि हम इसको आधा कर रहे हैं, तो हम ये भी मांग रखेंगे इसमें कि एक भारी चार्ट लगाया जाए बस वालों का कि इतना किराया इस जगह का होता है। और दिव्यांगों की जो सीट होती है 6 सीट, उसमें सब में दिव्यांग रिजर्वेशन लिखा जाए और उस सीट के पास ही विभिन्न किरायों का चार्ट लगाया जाए। ये संबंध में हम RTO का घेराव करेंगे और अगर RTO हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक RTO लिखित में नहीं देगा। और सभी दिव्यांग भाइयों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो 30/12/2022 को दिन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद सम्मिलित हों और उससे आगे। धन्यवाद।